सेल परचेज करता है टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको वो स्पेकुलेट करके कि मुझे इससे फ़ायदा पहुंचेगा शॉर्ट पोजीशन लेने से या लॉन्ग पोजीशन लेने से उसके हिसाब से वो अपनी सेलिंग और बाइंग करता है तो बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो रिस्क टेकर है क्योंकि ज़ाहिर है उसको वो बेट कर रहा है ना कि मुझे देर कुड बी अ सिचुएशन जहां उसका जो अंदाज़ा है वो गलत भी हो सकता है तो लिहाजा वी कैन सेट द स्पेकुलेटर्स आर द रिस्क टेकर्स जो कि लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन्स ले कर अपना मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं मगर उनका मुनाफा किसपे बेस करता है उनके एबिलिटी टू टेक द रिस्क के ऊपर और स्पेकुलेटर्स बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कैश प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन्स ले और इसी से ही उनको प्राइस डिस्कवरी का बेनिफिट मिलता है कि वो प्राइसेस को सेट कर रहे हैं प्राइसेस डिफाइन कर रहे होते हैं एंड देन दे आर टेकिंग द रिस्क आल्सो और जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो मार्केट है फ्यूचर मार्केट वो पूरी की पूरी ऑपरेट हो रही होती है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कमोडिटी मार्केट्स स्पेकुलेटर्स जो हैं वो एक्टिव बाइंग की वजह से एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फ्यूचर्स मार्केट की वजह से उस पूरी की पूरी मार्केट को एफिशिएंटली रन करने में मददगार साबित होते हैं कि आप एफिशिएंटली मार्केट तभी ऑपरेट करेगी ना कि जब आपने देखा कि इफेक्टिवली और एक्टिवली सेलिंग और बाइंग हो रही है तो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है उसकी बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन uh, हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टेक प्लेस कर रहे हैं और देन देर इज़ अ रेगुलेटर जो कि वॉच कर रहा है कि पूरी चीज़ें स्टैंडर्डाइज तरीके से हो रही हैं कि नहीं तो दिस इज हाउ वी कैन से ज ऑफ रिसो नहीं हो रही तो वो प्रॉपर बेहतरीन तरीके से रि एलोकेशन ऑफ द एक्सपोजर हो रहा है और मार्केट एफिशियंटली ऑपरेट कर रही होती है एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो स्पेकुलेटर है उसको हम mm, mm, एज अ रिस्क टेकर इंडिविजुअल या पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेते हैं और दे शुड नॉट बी अप विद द मिडल मैन और द ब्रोकर ब्रोकर और मिडल मैन आर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं स्पेकुलेटर्स मिडल मैन नहीं होते और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये है कि स्पेकुलेटर्स आर नॉट द सो आर अ डिफरेंट कैटेगरी मेन्यूपुलेटर्स वो होते हैं जो कि मार्केट में इस तरह से सेल और परचेज करते हैं जिससे प्राइस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए राइट सो दे आर टर्म द मेन्यूपुलेटर्स सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मेन्यूपुलेटर्स आर नॉट द स्पेकुलेटर्स स्पेक्यूलेटर्स वो हैं उन लोगों को बोला जाता है जो कि पॉजिटिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो मार्केट के अंदर जो कुछ फिक्सिंग uh, नहीं करते जो कि मेन्यूपुलेट नहीं करते या मनूवर नहीं करते मार्केट के डायनामिक्स को और वो मार्केट को फ्री एंड फेयर प्ले करने में प, में फैसिलिटेट करते हैं ताकि मार्केट एफिशिएंटली ऑपरेट हो सके सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेन्यूपलेटिंग थिंग्स तो मीनिपलेशन बेसिकली एक फ्रॉडिलेंट एक्टिविटी है जो कि अनएथिकल कंसिडर होती है इट इज़ अनलॉफुल एज वेल सो अन ऐथिकल भी है और इससे क्या होती है इससे काफ़ी डिज़ास्टरस सिचुएशन पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में क्राइसिस आ सकती है किसी भी किस्म की कोई स्वेयर शॉटेज या सरप्लस आ जाता है जिसकी वजह से वी नीड टू अवॉइड या हुकूमत या रेगुलेटर भी ये चेक रखता है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट के जो वर्किंग uh, है या बिहेवियर है उसको मनुपुलेट ना कर सकें सो so, जो मिनुपलेटर्स हैं वो इकॉनमी को अनहेल्दी बनाते हैं या उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट में को फैसिलिटेट करते हैं सो दे वी नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड